हेलो ट्रैवलर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अपने हॉस्टल से चेकआउट कर गया हूं और मैं जा रहा हूं बस स्टॉप की तरफ, जो मेरा दूसरा डेस्टिनेशन होने वाला है बेरात। काफ़ी एंजॉय किया मैंने वेलोर सिटी को। डेफिनेटली अगर आगे मौका मिले तो यहां पे आना पसंद करूंगा ज़रूर। तभी मैं जा रहा हूं बस पकड़ने के लिए, शायद मिनी बस होगा, बड़ा बस तो नहीं होगा, मिनी बस होगा। तो वहीं पे जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। वहीं पे पहुँच के सारा डिटेल बताता हूँ, क्या टिकट का कितना प्राइस है, सारा कुछ वहाँ पहुँचने के बाद। तो भाई मैं पहुंच गया हूं बस स्टेशन और ये है मेरी बस जो पीछे देख रहे हो, ये है, ये बेरात तक जाएगी। मैंने बैग यहां पीछे रख दिया है और ये जो छोटा सा बैग है वो मैं अंदर लेके जाऊंगा। तो आपको कहां पे आना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फ्रीडम मॉन्यूमेंट है ना, दिख नहीं रहा है क्या, ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये जो फ्रीडम मॉन्यूमेंट है, आपको इसके पास आना है। जस्ट वहीं पर ही आपके बगल में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से बैरत जा सकते हो, सैरंडा जा सकते हो, तिराना जा सकते हो, आप किसी भी सिटी में आप यहाँ से आसानी से जा सकते हो। तो मैं अभी बोरा 10 मिनट में छूटने वाली है, तो मैं अभी बैठता हूँ। तो भाई मैं बस स्टॉप पे पहुंच गया हूं। यहां बेरात का जो कि मेन जो सिटी है ना, उससे 4 किलोमीटर दूर है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूं जो लोकल बस है, शायद लोकल बस हमें जो बेरात जो मेन सिटी है ना वहीं पे लेके जाएगी। और ये कुछ 4 किलोमीटर दूर, ये आप देख रहे हो, ये है टर्मिनल। यहां पे मैं वेट करता हूं। मैंने पूछा तो बोला कि भाई आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, तो मैं वेट कर रहा हूं। उसके बाद फिर चलते हैं बेरात सिटी। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है हॉस्टल, द हॉस्टल ऑफ बेरात। इसके लिए मैं पे कर रहा हूं 7 यूरो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। तो अभी मैं थोड़ी देर में इसका टूर दे देता हूं आपको कि ये हॉस्टल कैसा है। तो इससे पहले मैं बता देता हूं कि आज क्या क्या हुआ। जैसे मैं मिनी बस लिया मैंने वेलोर से, तो आधे रास्ते में मतलब 35 किलोमीटर बचा हुआ था, उस टाइम पे गाड़ी ख़राब हो गई भाई, गाड़ी ख़राब हो गई। फिर भी भाई साहब जो ड्राइवर था, धीरे 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 लेके आया, 5-10 किलोमीटर लेके आया। उसके बाद भाई उसने चेंज कर दिया, दूसरे मिनी बस हम चेंज कर दिया, और भाई वो मिनी बस ऑलरेडी फुल था। तो हम लोग जितने भी पैसेंजर थे उस मिनी बस में, भाई हमें खड़े होके लगभग 5-7 किलोमीटर आना पड़ा। तो जैसे जैसे वो उतरते गए वैसे वैसे हमें सीट मिलता गया। तो ये था भाई। और पहुँचे बेरात, जो कि जो मेन सिटी है उससे 4 किलोमीटर पहले टर्मिनल है, बस का टर्मिनल। आप कहीं से भी आते हो,
तिराना से आते हो, सेरेंडा से आते हो, तो 4 किलोमीटर पहले आपको टर्मिनल पे उतारेंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वहाँ से। और मैं आपको बताया नहीं, मैंने 400 मुझे लेख लगा ब्लोर से बेरात तक आने का, 400 मुझे लेख लगा जो टिकट का प्राइस था। उसके बाद मुझे सिटी सेंटर तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए मैंने जो सिटी की बस होती है वो लिया 30 लेख में। तो टोटल मेरा ब्लोर से लेके मेरे हॉस्टल तक पहुँचने तक मुझे देना पड़ा 430 लेख, जो कि ठीक है। और मैं एकदम यहाँ पे उतरा हूँ भाई, जो ये रोड है ना, आप देख रहे हो गाड़ी जा रही है, मैं एकदम यहाँ पे उतरा। बस स्टॉप तो नहीं है पर कुछ उतर रहे थे, मैंने मैप लगा के रखा था, तो आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो मैप लगा के रखो। मुझे दिखा कि भाई यही है बस, भाई सब उतर रहे थे, मैं भी उतर गया। सही था एक्सपीरियंस, बट थोड़ा सा हो गया, खड़ा होके थोड़ा देर आना पड़ा, बट ओके इट्स ओके। तो अभी मैं आपको हॉस्टल का टूर दिखा देता हूँ कि हॉस्टल कैसा है। तो ये है भाई, घुसते ही यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग एरिया है, अच्छी से पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ यूटेंसिल्स हैं खाने बनाने के लिए, इधर एक फ्रिज है। तो ये है भाई हमारा 6 बेड का रूम, ये है मेरा बेड जो आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, लॉकर भी है इधर, लाइट है, फ़ैन, ऐसा फ़ैन है क्योंकि ठंड, तो अभी ठंड भी लग रही है भाई, तो एसी की तो ज़रूरत है नहीं, तो इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 7 यूरो पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और उधर एक है गाइस, आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ और सोचा कि अभी हमारे पास शाम होने में टाइम है, तो क्यों ना इस सिटी को एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी जितना पॉसिबल चीज़ें हैं मैं ट्राई करूँगा कि सिटी को एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि अभी टाइम 5 बज रहा है और अंधेरा होने में लगभग 1-1.5 घंटे बचे हुए हैं, तो इतने दिन देर में 1-1.5 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, जो मेन चीज़ें हैं वो तो कवर कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो मेरे हॉस्टल के पास ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो बड़ा सा जो घर देख रहे हो ना, ये है भाई एक होटल, 5-स्टार होटल है जिसका नाम है होटल कोलंबो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सिटी को एक्सप्लोर करना, 1.5 घंटे में देखते हैं क्या देख पाते हैं, क्या दिखा पाते हैं। तो भाई मैं अभी जिस जगह पे चल रहा हूँ, ये एक सिटी सेंटर है, बहुत बड़ा सिटी सेंटर है, उस कोने से लेके इधर कोने तक सिटी सेंटर है, साइड में रेस्टोरेंट है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, लाइटनिंग के भी ज़्यादा पोल हैं, तो रात में यहाँ का माहौल अच्छा लगता होगा, क्योंकि रात में लाइटिंग होगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो ये मेन सिटी सेंटर है इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है आगे में, आगे बहुत लंबा है, और ये आंटी कुछ भुट्टे बेच रही है साइड में, और इधर साइड में भाई पार्क में लोग बैठे हुए हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं, सही है भाई। और अभी शाम का टाइम की जो धूप की बात ही अलग होती है, डायरेक्ट इधर से सन मूव आके फेस पे लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं, पेड़ भी है अच्छे खासे, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा लगा पड़ा है साइकिलिंग करने के लिए, आ रहा हमारी तरफ ही आ रहा है। इधर साइड में जो पार्क देख रहे हो ना, देखो अपन दोनों बच्चे लगे पड़े हैं रेस करने के लिए, और इधर साइड में बैठने के लिए अच्छी जगह है, सब लोग बैठे हुए हैं मस्ती कर रहे हैं आज।
सही माहौल बना हुआ। हाँ, ठंडी ठंडी क्या हवा चल रही है भाई। इधर एक बैंक देख रहा है मुझे, रेफेसन बैंक। इधर जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो देख रहे हो, रेफेसन बैंक है भाई। यहाँ पे कुछ शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए आधा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत दूर तक ये जो सिटी सेंटर का जो बीच का इलाका है ना, बहुत दूर तक है। बट यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप देखो बीच में यहाँ पे बैरियर करा हुआ है कि कोई जा ना पाए यहाँ पे, अदरवाइज मुझे आगे तक भी रास्ता है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा था। तो मुझे शायद अब इस साइड से होके मुझे रोड के पास जाना है। मैं अभी एक सिटी सेंटर पे आ गया हूँ, बगल पे ही जहाँ मैं थोड़ी देर पहले वॉक कर रहा था, मैं वहीं पे आ गया हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है एक चर्च जो कि 2008 में बिल्ट हुआ था। नया है, पुराना चर्च नहीं है। 2008 में ये बन के तैयार हुआ था। और अच्छी बात क्या है कि आप देखो, इधर है चर्च और इस साइड में आप देख रहे हो ये है मस्जिद। तो आप सामने ही आप देखो कि साइड में, एक साइड में चर्च है, एक साइड में मस्जिद है। कितनी अच्छी बात है ना, ऐसा होना भी चाहिए। और ये चर्च देख पा रहा हूँ कि मस्जिद में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप वहाँ पे देखो, मस्जिद में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर ये जो चर्च है ये खुला हुआ है। तो क्यों ना चर्च के अंदर में जाके देखें, जब है मौका, है सब दस्तूर है, तो क्यों ना अंदर जाके देखें। मस्जिद पे भी जाने का मन था, पर यार कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जा नहीं सकते, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो अंदर चलते हैं चर्च के और देखते हैं कि कैसा अंदर से कैसा दिखता है। भाई मैं एकदम रोड के पास में आ गया हूँ, और आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, एक नदी बह रही है जिसका नाम है ओसुमी रिवर। और यहाँ पे एक पुल है जिसको आप इस पार से उस पार अभी जाएंगे थोड़ी देर में। जो आप पुल देख रहे हो ना, इस पार से उस पार अभी जाना है। और ये जो आप देख रहे हो सिटी, जो बैरत सिटी है ना, बैरत सिटी को नाम से जानते हैं, द सिटी ऑफ 1000 विंडो। जो आप देख पा रहे हो कि ये जो घरें हैं, इनमें बहुत सारे खिड़की हैं, तो इसीलिए इस सिटी का नाम पड़ा है बैरत द 1000 विंडो, बैरत द सिटी ऑफ 1000 विंडो। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बैरत सिटी है, इसमें जितने भी घर है उसमें लगभग हजारों खिड़कियां हैं। तो उस साइड में भी है, जैसे अभी जाने वाले हैं, और इस साइड में भी है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और उसके ऊपर में कैसल है, जो कि बैरत का कैसल है। और कुछ लोग भाई अपने डॉग को घुमाने के लिए आए हुए हैं। तो अभी बहुत ही प्यारा सा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं पुल के उस पार में, पुल पार करते हैं ओसुमी रिवर। इस रिवर का जो नाम है वो है ओसुमी रिवर। यहाँ पे कुछ दादाजी अपने पानी की बोतल बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं। ये है भाई, कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये बैरत। तो ये है भाई, पुल के बीच में हम लोग चल रहे हैं। ये है ओसुमी रिवर। अभी उतना टाइम, अभी उतने लोग हैं नहीं, कुछ ही लोग यहाँ पे हैं जो कि इस सनसेट का मज़ा ले रहे हैं। वेलकम टू बैरत। उस पार चलते हैं, उस पार देखते हैं। उस पार से भी जो ये घर है ना, इन सब घर का नज़ारा सॉलिड आने वाला है।
इधर पुल के नीचे कुछ लोग सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। और तो आपका भाई आ गया भाई ओसुमी रिवर के नीचे। ये है भाई पुल जिसको अभी पार करके आए हैं, और यहाँ नीचे आने के लिए रास्ता है, तो सोचे क्यों ना नीचे ही आया जाए, देखा जाए कि कैसा है माहौल। कुछ लोग अपने उधर उधर कुछ लोग अपना लक आजमा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं भाई। मौसम बहुत शानदार है, शाम का मौसम है, लगभग 5:30 हो रहे हैं, सही लग रहा है। ये है भाई पुल जिसके नीचे हम लोग आ गए हैं, और वो है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, 1000 विंडो बैरत सिटी, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं 1000 विंडो। भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शायद चल रहा है, बहुत सारे पत्थर हैं, कुछ लोग इधर मछली पकड़ रहे हैं, और ये है भाई जो पुल जिससे पार करके हम लोग नीचे आए हैं अभी। ऑसम ऑसम लग रहा है भाई, ऑसम। जो आप देख रहे हो पुल के बगल में, इधर भाई रोड जा रही है इधर ऊपर में, तो सोचे चलते हैं ना, कहीं तो रोड निकलेगा ही। ये साइड में ओसुमी रिवर बह रहा है, पानी कम है, पानी मतलब ना के बराबर है। इधर भाई माउंटेन है साइड में, बहुत ऊंचा लग रहा है। इधर आप देख रहे हो होटल है, होटल अजका। सिटी का व्यू है ना, जबरदस्त वाला व्यू है। इधर इधर सही लग रहा है। ये एक होटल है, ये जो ये देख रहे हो ना, ये एक होटल है शायद। इधर जो साइड है ना, ये वॉक करने के लिए है, मुझे लग रहा है कि इधर जो आप ये ट्रैक देख रहे हो ये ऊपर तक जा रहा है, लगता है ट्रैक करने के लिए, वॉक करने के लिए ऊपर तक बनाया हुआ है। और ये भाई काफ़ी बड़ा लग रहा है। इधर भाई पहाड़ कितना शानदार है, आप देखो ना, है ना नज़ारा जबरदस्त। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो नीचे एक तो ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, किधर जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। लगता है कि कुछ होगा नहीं, फिर भी देखते हैं एक्सप्लोर करके आसपास। तो गाइस हम अभी एक पहाड़ के ऊपर में आ गए हैं, जो कि एक चर्च बना हुआ है 14th century में, जो कि नीचे से काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ घुस गया था यार, काफ़ी अच्छा लग रहा था, और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि जाओ भाई यहाँ पे एंट्रेंस फ्री है, तो फिर उसी के ऊपर जा रहे हैं अभी, चर्च के ऊपर में, जो कि 14th century में ये सारा चीज़ बना हुआ है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ रहा है। क्या नज़ारा है भाई यहाँ से, बैरत सिटी का नज़ारा देखो, है ना शानदार, ऑसम है भाई। और इधर चर्च की घुसने की जगह साइड में 2 घंटे लगे हुए हैं, तो आप यहाँ आते हो तो 2 घंटा बजा सकते हो। पर बहुत ऊंचा है यार, उतना दूर तो पहुँचा नहीं जाएगा, हाथ भी नहीं पहुँचेगा। ये पहाड़ के ऊपर में है और काफ़ी प्यारा लग रहा है।